नमस्कार दोस्तों, मैं अपूर्व पांडे फाइनल कट प्रो एक्स ट्यूटोरियल के इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे मीडिया फाइल्स को इंपोर्ट कैसे करते हैं, मेमोरी कार्ड्स और केबल्स के बारे में भी हम बात करेंगे और कौन कौन से मीडिया फॉर्मेट्स को FCPX सपोर्ट करता है हम वो भी जानेंगे। इंपोर्टिंग मीडिया इंटू फाइनल कट प्रो एक्स इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड मेकिंग योर मूवी। फाइनल कट प्रो एक्स में आप फाइल बेस्ड कैमरा या डिवाइस से इंपोर्ट कर सकते हैं। आप आईफोन, आईपैड या फिर आईपॉड टच से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आप टेप बेस्ड कैमकॉर्डर या डिवाइस से इंपोर्ट कर सकते हैं। आप आई मूवी से इंपोर्ट कर सकते हैं। आप आई फोटो या अपर्चर से इंपोर्ट कर सकते हैं। आप आईट्यून से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और इंटरनल हार्ड डिस्क से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं और साथ में ही आप कैमरा आर्काइव से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग इंपोर्ट यू असाइन योर मीडिया टू एन इवेंट। आप अपने मीडिया फाइल्स को ट्रांसकोड कर सकते हैं और कलर बैलेंस और ऑडियो प्रॉब्लम जैसे इशू को एनालाइज भी कर सकते हैं। जब भी आप फर्स्ट टाइम FCPX ओपन करते हैं तो उसमें अनटाइटल नाम की लाइब्रेरी और एक सिंगल इवेंट क्रिएट होता है, बट इट कंटेन्स नो मीडिया। तो मीडिया इंपोर्ट करने के लिए आप इंपोर्ट मीडिया में क्लिक कीजिए। एक पॉपअप विंडो अपेयर होगा, यहाँ पर से आप ब्राउज करके सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी मीडिया फाइल को इम्पोर्ट करना है। आप कई तरीके से FCPX में मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक इवेंट सेलेक्ट करना है। ये जो इवेंट है ये एक सेपरेट फोल्डर की तरह काम करता है। इवेंट में हमारी वीडियो फाइल्स अवेलेबल होती है, मतलब जो भी हम लोग मीडिया फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे वो हमारी सेलेक्टेड इवेंट में ही अवेलेबल होगी। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने एक इवेंट को सेलेक्ट किया है। अब मैं इंपोर्ट करने के लिए फाइल में जाके इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक कर सकता हूँ या मैं शॉर्टकट कमांड आई यूज़ करके भी मीडिया को इंपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने कमांड आई प्रेस किया, आप देख सकते हैं एक पॉपअप विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे मेरे डिफरेंट डिवाइसेस हैं जिनको ब्राउज करके मैंने जहाँ पर भी अपनी मीडिया को सेव किया है, जो भी मुझे इंपोर्ट करना है वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो या तो अगर आपके सिस्टम में कैमरा कनेक्ट है तो आप कैमरा से मीडिया फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, आप मेमोरी कार्ड से वीडियो फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, आप फेस टाइम से मीडिया फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हैं और साथ में आप इंटरनल हार्ड ड्राइव से भी मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं ब्राउज करता हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन फोल्डर है, ऑडियो का, सैम्पल वीडियो का और स्टिल फोटोज का। मैं चाहूँ तो तीनों फोल्डर को एक साथ इंपोर्ट कर सकता हूँ या फिर मैं किसी एक फोल्डर को भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, सिंगल फाइल या मल्टीपल फाइल को भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। सपोज मुझे वीडियो इंपोर्ट करना है तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने वीडियो को सेलेक्ट किया तो इसका प्रीव्यू यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। तो आप यहाँ पे इसको प्ले कर सकते हैं और अपनी फुटेज को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि फुटेज प्ले हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ऐड टू एग्जिस्टिंग इवेंट, ये जो भी फुटेज आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो आप जिस इवेंट में काम कर रहे हैं वो वहीं पे ही इंपोर्ट होगी। आप चाहे तो यहाँ पर से अपने इवेंट को चेंज भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट लाइब्रेरी के अंदर जो जो डिफरेंट इवेंट्स बने हैं वो दिख रहे हैं। तो अभी हम लोग एग्जिस्टिंग इवेंट को ही सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा आप न्यू इवेंट भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और उसको नाम भी दे सकते हैं।
फिर दूसरा ऑप्शन आप देख रहे होंगे फाइल्स का, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला ऑप्शन है कॉपी टू लाइब्रेरी का। अगर आपके सिस्टम में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है तो आप कॉपी टू लाइब्रेरी इनेबल कर सकते हैं। कॉपी टू लाइब्रेरी करता क्या है, यह आपकी मीडिया फाइल्स की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाकर आप जिस लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं उसमें सेव करता है। इसका एडवांटेज ये है कि अगर कभी आपसे गलती से वो वाला मीडिया फोल्डर डिलीट हो जाता है जहाँ से आपने मीडिया फाइल्स को इम्पोर्ट किया है, तो भी आपका प्रोजेक्ट सेव रहता है। दूसरा ऑप्शन है लीव फाइल्स इन प्लेस का। अगर आप चाहते हैं कि आपका मीडिया फोल्डर उसी जगह पर रहे जहाँ पर से आपने उसे इम्पोर्ट किया था, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। इसको इनेबल करने से क्या होगा कि आपकी कोई भी डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनेगी लाइब्रेरी में, तो इससे आपका काफ़ी स्पेस फ्री रहेगा। लेकिन अगर आपका सपोज मीडिया फोल्डर वहाँ से डिलीट होता है तो आपके प्रोजेक्ट में जितनी भी मीडिया फाइल्स हैं वो भी ऑफलाइन हो जाएंगी। इसके अलावा और सारे भी ऑप्शंस हैं जिसके बारे में हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वीडियोस को इम्पोर्ट करते हैं, तो मैं या तो सेलेक्टेड वीडियो को इम्पोर्ट कर सकता हूँ, आप देख रहे हैं मैंने तीन सेलेक्ट किया था तो तीन वीडियो यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुकी है, या फिर मैं पूरे फोल्डर को भी इम्पोर्ट कर सकता हूँ। इसके बाद हम लोग फोटोज़ को इम्पोर्ट करेंगे। सपोज मैंने फोटोज़ का भी पूरा फोल्डर इम्पोर्ट कर दिया है और साथ में ही मैं ऑडियो के फोल्डर को भी इम्पोर्ट करूँगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा ऑडियो फाइल शो हो रही है, यहाँ पे मेरा फुटेज है और यहाँ पे मेरे स्टिल्स फोटोग्राफ्स हैं। तो आप वीडियो, ऑडियो और स्टिल फोटोग्राफ्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं और साथ में इन्हें प्लेबैक भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं प्लेबैक करने के लिए आप स्पेस बार टाइप कीजिए जो भी सिलेक्टेड क्लिप है। तो आप देख रहे हैं कि वीडियो प्ले हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप ऑल क्लिप्स का ऑप्शन देख रहे हैं, फेवरेट्स का देख रहे हैं, रिजेक्टेड का देख रहे हैं, अनयूज्ड का देख रहे हैं। ये एक्चुअली में क्या है, अगर आपने सपोज किसी क्लिप को डिलीट कर दिया तो वो एक्चुअली में डिलीट नहीं होती, वो रिजेक्ट लिस्ट में चली जाती है। तो अगर आप सपोज किसी फाइल को डिलीट करते हैं और आप उसे वापस से रीइंपोर्ट करेंगे तो वो आपके क्लिप्स में ना दिख के रिजेक्टेड क्लिप्स में ही दिखेगी। तो ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे, टॉगल क्लिप्स डिस्प्ले बिटवीन फिल्म स्ट्रिप एंड लिस्ट मोड्स। यहाँ से आप अपने क्लिप को टॉगल कर सकते हैं बिटवीन फिल्म स्ट्रिप, ये आपके फिल्म स्ट्रिप है और ये आपका लिस्ट मोड है। इसके अलावा एक ऑप्शन यहाँ पे और है, क्लिप अपेयरेंस एंड फिल्टरिंग मेन्यू का। ये क्या करता है देखते हैं, इसे आप कमांड प्लस या कमांड माइनस से भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। काफ़ी फाइल बेस कैमकॉर्डर्स में या DSLRs में रिमूवेबल मेमोरी कार्ड यूज होता है। आप मेमोरी कार्ड को कार्ड रीडर के थ्रू अपने सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर काफ़ी मैक सिस्टम में SDXC कार्ड स्लॉट होता है जिसमें आप अपने मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करके फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने डिवाइस को फायरवायर के थ्रू या USB केबल के थ्रू भी अपने सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं USB डिवाइस की। You use a USB cable for file-based camcorders, digital still cameras that record video and iPhone, iPad and iPod touch. The USB cable should have at least one connector that plugs into your Mac. The other end of the USB cable which plugs into your recording device might look different. अब बात करते हैं FireWire device की। For most camcorders that record to tape,
You use a FireWire cable with a 6-pin connector on one end that plugs into your Mac and a 4-pin connector on the other end that plugs into your camcorder. Phir aati hai Thunderbolt device. These are the devices that use Thunderbolt input-output technology, use a connector that plugs into the mini display port on your Mac and looks like the connector below. तो आप देखते हैं कि कौन कौन से मीडिया फॉर्मेट्स को फाइनल कट प्रो एक सपोर्ट करता है। तो सबसे पहली बात करते हैं वीडियो फॉर्मेट्स की। इसमें आप एप्पल एनिमेशन कोडेक, एप्पल इंटरमीडिएट कोडेक, एप्पल प्रोरेस ऑल वर्जन्स, एवीसी इंट्रा, एवीसी एचडी, डीवी, डीवीसी प्रो एचडी, H264, एचडीवी, आईफ्रेम, मोशन जेपेग, एमपेग, आईएमएक्स, रेड कोड ड्रॉ, अनकंप्रेस्ड 10-bit 422, Uncompressed 8-bit 422, XAVC, XTCAM HD, EX HD 422 और QuickTime formats के मीडिया फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ में आप कई तरह के ऑडियो फॉर्मेट्स जैसे AAC, AIFF, BWF, CAF, MP3, MP4 और WAV फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। और साथ में आप स्टिल इमेजेस जैसे BMP, GIF, JPEG, PNG, PSD, RAW, TGA और TIFF को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ में कंटेनर फॉर्मेट्स जैसे 3GP, AVI, MP4, MTS, M2TS और QuickTime फाइल्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।